आज की इस वीडियो में हम लोग एक अकाउंट वेरिफिकेशन बाईपास की वल्नरेबिलिटी देखने वाले हैं, उसकी पीओसी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डुप्लीकेट मार्क हो गई थी, लेकिन मुझे लगा कि बताना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छी वल्नरेबिलिटी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक वेरीफाइड अकाउंट चाहिए। वेरीफाइड अकाउंट इसलिए ताकि आप कुछ रिक्वेस्ट जो है वो कैप्चर कर सकें, क्योंकि पीओसी में हम लोग को दिखाना पड़ता है कि हम क्या क्या चीज़ें अपडेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक वेरीफाइड अकाउंट है। यहाँ पे मैंने क्या करा कि पैन कार्ड को अपलोड करने की एक फंक्शनैलिटी थी, उसमें एक रिक्वेस्ट कैप्चर करी, पैन इमेज। तो ये वो इमेज है, ठीक है, आप देख सकते हो अपलोड। तो ये वेरीफाइड अकाउंट है, उसका एक्सेस टोकन है। तो उस अकाउंट पे हम क्या कर रहे हैं कि एक इमेज जो कि पैन कार्ड की है वो अपलोड कर रहे हैं। अब इसको आपको बर्प रिपीटर में सेंड कर देना है बात के लिए। तो अब हमारे पास एक सेकंड रिक्वेस्ट है वेरीफाइड अकाउंट की, कि जो हमारा वेरीफाइड अकाउंट है अगर हमें उसका डेटा चेक करना है, ठीक है, मतलब सिंपल से आप कह सकते हैं प्रोफाइल डिटेल्स। तो ये एक एंड पॉइंट है रिव्यू डेटा वाली। यहाँ पे आपको वेरीफाइड अकाउंट का मोबाइल नंबर यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट में 487 है, ठीक है, और उसका ईमेल वेरीफाइड अकाउंट का वो आपको दिख जाएगा। इसको भी आपको बर्प रिपीटर में सेंड कर देना है। तो अभी हमारे पास दो रिक्वेस्ट हैं बर्प रिपीटर में, पहली पैन कार्ड अपलोड वाली जो कि वेरीफाइड अकाउंट की है, और दूसरी रिव्यू डिटेल्स वाली, ये भी वेरीफाइड अकाउंट की है। अब आता है बाईपास टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ोन नंबर डाला, तो इसको हमने क्या करा, रिक्वेस्ट को बर्प सूट में कर लिया कैप्चर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंड ओटीपी, यानी कि ओटीपी जाने के बाद ही जब आप करेक्ट ओटीपी एंटर करेंगे तभी आपका अकाउंट एक्टिवेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक पैरामीटर देख रहे हो इस एनआरआई जो कि फॉल्स सेट है। अगर मैंने दोनों बार में करके देख लिया है क्या, कि अगर मैं बिल्कुल एज इट इज़ रिक्वेस्ट को सेंड करूँ तो क्या होगा, मेरे पे रिस्पांस में ये दिखेगा कि ओटीपी भेज दिया गया है, आप एंटर करते हैं, बस इतना। लेकिन मैंने क्या करा, इस फॉल्स को ट्रू कर दिया। इस फॉल्स को ट्रू करने के बाद जब मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी तो क्या हुआ, ये देख सकते हो, ये रही रिक्वेस्ट, रिस्पांस में मुझे एक्सेस टोकन पहले ही मिल गया बिना ओटीपी डाले, मतलब बिना अकाउंट को वेरीफाई करे मुझे उसका एक्सेस टोकन मिल गया, ठीक है। तो अब आप समझ ही गए होंगे क्या करना है, सिंपली से एक्सेस टोकन को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद मैंने क्या बताया था, जो दो हमने रिक्वेस्ट पहले बर्प सूट के रिपीटर में भेजी थी उनमें से एक रिक्वेस्ट रिव्यू डेटा, मतलब प्रोफाइल डिटेल्स चेक करने की। तो अब जो हमने यहाँ से एक्सेस टोकन कॉपी किया था उसको इस एक्सेस टोकन से चेंज कर देना है। ये वेरीफाइड अकाउंट वाले का एक्सेस टोकन था, ठीक है, तो उसको चेंज कर दिया हमने अपने वाले से, जो हमने अकाउंट वेरीफाई किया ही नहीं था, लेकिन फिर भी हमें एक्सेस टोकन मिल गया। कैसे, इस पैरामीटर को ट्रू चेंज करने के बाद। तो अब हमने जब किया तो हम अपने देख सकते हो प्रोफाइल डिटेल देख पा रहे हैं, ये देखो हमारा लास्ट में 394, शुरुआत में 926, ये वही नंबर है ये वाला जिसके लिए हमने ओटीपी कभी डाला ही नहीं, फिर भी हमने अकाउंट वेरीफिकेशन को बाईपास कर दिया। तो हम अपनी डिटेल देख पा रहे हैं। अब आपको ध्यान होगा, हमने एक शुरुआत में जो सबसे पहली रिक्वेस्ट बर्प रिपीटर में भेजी थी अपना पैन कार्ड अपलोड करने की, वो ये रही। तो सिंपल सी वही चीज़ करनी जो हमें एक्सेस टोकन रिस्पांस में मिला अनवेरीफाइड अकाउंट का, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, उसके बाद रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देना, बस। अब देख सकते हो अब अपनी जब रिव्यू डेटा वाली प्रोफाइल को एंड पॉइंट को फिर से इशू करोगे अपने अनवेरीफाइड अकाउंट के एक्सेस टोकन के साथ, तो आप देखोगे जो पैन इमेज है हमने जो यहाँ पे अपलोड करी वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है उस अकाउंट के लिए जो हमने कभी वेरीफाइड किया ही नहीं था, ओटीपी डाला ही नहीं था जिसके लिए। तो बस यही थी वल्नरेबिलिटी, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। तो ऐसे आपको छोटी छोटी चीज़ें देखनी है पैरामीटर को चेंज करके, कि ट्रू का फॉल्स कर देना है, हाँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आया, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।